देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेश के घटनाक्रम से सबक लेने की सलाह दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश में राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि ये बताता है कि आज़ादी कितनी कीमती है। इसके अलावा सीजेआई ने संविधान की अहमियत को बताते हुए कहा कि इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं का एक ढांचा स्थापित किया है जो एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया जो लोगों के प्रति प्रतिनिधि और जवाबदेह दोनों है। बांग्लादेश में हालिया प्रदर्शन के बाद अराजकता की स्थिति फैल गई थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, हमने 1950 में स्वतंत्रता की अनिश्चितता को चुना था। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हमारे लिए आज़ादी कितनी कीमती है। स्वतंत्रता को हल्के में लेना बहुत आसान है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम अतीत की कहानियों पर ध्यान दें ताकि हमें याद रहे कि आज़ादी कितनी कीमती है। मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय संविधान के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को संविधान सभा ने लोकतांत्रिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे संविधान ने हाशिए पर खड़े वंचित लोगों को देश के विकास के एजेंडे के केंद्र में लाकर रखा और न्याय, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया। सीजेआई ने स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वकीलों ने अपनी जमी जमाई कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया था। वे न केवल भारत की स्वतंत्रता दिलाने में सहायक थे बल्कि एक बेहद स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी सूत्रधार थे। उन्होंने कहा, देशभक्त वकीलों का काम भारत की स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। अपने भाषण में सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के कई पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को समृद्ध बनाने में लीगल कम्युनिटी की भागीदारी अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि वकील और बार स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश की बेहतरी में मजबूत स्तंभ है। नागरिकों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बार न्यायालयों की अंतरात्मा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, बार लोगों और न्यायाधीशों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। बार ही हम लोगों के दर्द और नब्ज को समझने के लिए प्रेरित करता है, यानी बार लोगों और न्यायपालिका के बीच एक पुल की तरह है। एक समृद्ध बार सतर्क और सजग न्यायपालिका बनाता है। मैं हमारे समाज में इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में बार के काम की सराहना करता हूँ जो कानून के शासन और संविधान में निहित है। अंत में चीफ जस्टिस ने संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता पर रेखांकित किया। उन्होंने लीगल कम्युनिटी से देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी है ताकि स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाएँ पूरी की जा सके। आप सीजेआई के इस बयान पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी सौरभ ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।